में सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जैसे अदर स्टेट में अच्छी कैश प्राइस है और अच्छी जॉब ऑफर की जाती है, हमें भी उसी तरह का कैश अवार्ड दिया जाए। और हम बस यही कहना चाहते हैं कि जो हम इतना नहीं बोलते कि हमें उतना ही दे, 3 करोड़ 1 करोड़ दे, बट जितना 50% तो एटलीस्ट हम लोगों को मिलना चाहिए। सर, कबड्डी में गोल्ड मेडल है हमारा, वो तो सबको ही पता है, और उसके लिए हमें यहाँ पे सम्मानित करने के लिए सीएम सर ने बुलाया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बोलते हैं, मैं बोलना चाहूँगी कि मैं और सुषमा हम दोनों सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे है राजस्थान पुलिस में, तो मैं सर से यही दरख्वास्त करती हूँ कि हमें हिमाचल में ही जॉब के लिए कुछ सोचना चाहिए उनको, क्योंकि हमें हिमाचल यहाँ पे हमारे 10 मेडल है, और जो मतलब जिसका 1 मेडल है उसको भी सी ग्रेड की जॉब दे रहे हैं, और जिसका 10 मेडल है उसको भी सी ग्रेड की जॉब दे रहे हैं, तो हमारा 10 मेडल का क्या फ़ायदा, तो इसके लिए हमारे को बाहर जॉब करने के लिए जाना पड़ रहा है। तो सर से यही प्रार्थना है हमारी विनम्र कि हमें यहाँ पे जॉब के लिए सोचे, और हमारी जो पॉलिसी है कैश प्राइस की वो बाहर के मुताबिक यहाँ पर बहुत कम है, क्योंकि हरियाणा में 3 करोड़ मिलता है, राजस्थान में 1 करोड़ मिल रहा है, तो और हमारे हिमाचल में सिर्फ 15 लाख हमें, तो हम इनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमें मतलब ज़्यादा नहीं तो 50% तो हमें बढ़ाना चाहिए, इसके लिए सर को सर से हमारी प्रार्थना है बस। मेरा नाम ज्योति है और हम देश के लिए मेडल लेकर आए, हमें बहुत ही खुशी की बहुत खुशी महसूस हो रही है, और आज हमें सीएम सर भी सम्मानित कर रहे हैं, तो इससे प्राउड वाली बात हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती है। हमने वहाँ पे चाइना में 5 मैचेस खेले, जिसमें हमारा फर्स्ट मैच जो है चाइनीज़ ताइपाई के साथ हुआ था, और वो मैच हमारा ड्रॉ रह गया था, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि हमें किस तरह का कंपटीशन मिलने वाला है। मेरा फर्स्ट ही इंटरनेशनल एक्सपोजर था, जिसमें मैं सारे मैचेस खेली हूँ, और हमारी टीम का प्रदर्शन जो है बहुत अच्छा रहा। कोरिया के साथ मैच हुआ वो 1 साइड रहा, थाईलैंड के साथ भी हमारा मैच हुआ वो भी 1 साइड रहा, उसके बाद हमारा सेमीफाइनल जो है वो नेपाल के साथ हुआ वो भी हमारा 1 साइड हुआ, फिर से हमारे साथ फाइनल में चाइनीज़ ताइपाई आई थी, वो हमारा मैच जो है नेक टू नेक चल रहा था, और लास्ट में हम 1 पॉइंट से जीत गए, तो हमारे हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि हम देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए। मेरा नाम रितु नेगी है, और जो अभी हमारे हाल ही में चाइना में जो मैचेस चले थे एशियन गेम्स के, उससे हम स्वर्ण पदक लेके आए। और एक बात और बताना चाहती हूँ कि हमारे कंट्री ने 107 मेडल लेके आया, और जिसमें जो 100वां मेडल था वो कबड्डी वुमेन ने पार किया 100 का आंकड़ा, वो भी स्वर्ण पदक के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। हमारे 5 मैचेस हुए थे टोटल, जिसमें कि 3 पुल के मैच थे, 1 सेमीफाइनल था और फाइनल, और जो हमारा फर्स्ट मैच था वो टाई रहा था चाइनीज़ ताइपे के साथ, तो बहुत ही अच्छी टीम है, बाकी की कंट्रीज भी बहुत ही अच्छा मतलब खेल रहे हैं, और फाइनल मैच में हमारा उन्हीं के साथ आया जो कि हम 1 पॉइंट से विन किए। देखिए, बाकी कंट्री के जो टीम है वो बहुत अच्छा इसलिए इम्प्रूव कर रहे हैं क्योंकि जो उनके कंट्री में जो कोच जाते हैं वो इंडिया से ही भेजे जाते हैं उनको सिखाने के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर हमें फाइट मिलेगा तो और अच्छी बात है, क्योंकि इसमें कबड्डी ओलंपिक में इंक्लूड हो सकता है, तो हम यही चाहेंगे और सारे बहुत सारे देश खेले। सर, ये तो हमारे लिए एक बहुत प्राउड वाली बात है, क्योंकि एशियन गेम्स में गोल्ड आना, वो भी गोल्ड आना, तो ये तो बहुत मतलब प्राउड वाली बात है, और मेहनत भी बहुत ज़्यादा की थी, 10 या 15 सालों से लगातार हम मेहनत कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है कि 1-1, 2-2 साल हम घर भी नहीं जाते, लगातार प्रैक्टिस करते हैं। और बाकी बात रही पॉलिसी की जो आपने बताया, हम दोनों, मैं और निधि शर्मा, दोनों राजस्थान पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया है हमने,
तो यहाँ पे हमें जॉब नहीं मिल रही थी, जॉब दी भी जा रही थी तो सी ग्रेड की क्लैरिकल वगैरह कोई भी, मतलब कोई भी सी ग्रेड की पोस्ट हमें दी जा रही थी, जिनके पास हमारे पास 10 या 15 मेडल है, हमने गोल्ड हिमाचल को दिए, चाहे नेशनल हो चाहे नेशनल गेम हो, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हिमाचल छोटा सा स्टेट है, एक इसमें मेडल लाना, क्योंकि पूरे भारत में इतने सारे स्टेट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और पूरे भारत में मेडल लाना हिमाचल के लिए, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो सरकार को भी हमारे लिए थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि हम अभी राजस्थान में जॉब कर रहे हैं तो अदर स्टेट में थोड़ा बहुत टफ तो होता ही है, क्योंकि हम हिमाचल के लिए इतने मेडल हमने दे दिए। तो जैसा कि निधि शर्मा ने भी बताया अभी कि यहाँ पे अगर किसी के पास 10 या 15 मेडल है उनको भी वही पोस्ट दी जा रही है, और जिसके पास एक मेडल है चाहे वो ब्रॉन्ज मेडल है उनको भी सेम वही पोस्ट दी जा रही है। और अभी तो हमारा जो एशियन गेम्स में मेडल आया है, गोल्ड मेडल आया है, तो उस पर तो थोड़ा सरकार को विचार करना ही चाहिए कि हमें अच्छी सी पोस्ट दी जाए, ताकि हम तो क्या किसी भी फ्यूचर में अदर खिलाड़ी को अदर स्टेट में ना जाना पड़े, क्योंकि यहाँ पे जो पोस्ट दी जा रही है वो सी ग्रेड की है, और वहाँ पे उन्होंने फिर भी हमें बहुत अच्छी पोस्ट दी है सब इंस्पेक्टर, हम वहाँ पे ज्वाइन किया है। तो मैं यही डिमांड करना चाहती हूँ सरकार से, वैसे तो सरकार ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है, जो हॉस्टल वगैरह बनाए हैं, अच्छी ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करवाई है, और तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम यहाँ पे अभी हमारा मेडल आया है तो यहाँ पे हमें अच्छी पोस्ट दी जाए और थोड़ा प्राइज मनी भी बढ़ाई जाए। क्या एक वजह आप ये भी मानते हैं जिस तरह से जो है फ्यूचर को लेकर सिक्योर नहीं होते हैं खिलाड़ी, इसलिए हिमाचल प्रदेश से क्या लगता है आपको कि एक ये भी वजह है कि कम खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश से आते हैं, वहीं हरियाणा की बात करें तो काफ़ी संख्या में खिलाड़ी? नहीं नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स में ऐसा होता है कि स्पोर्ट्स कोटा बनता है, एक अगर हम एक भी मेडल लेते हैं तो जॉब तो आपकी सिक्योर है, पूरी जॉब तो हमें मिलेगी ही मिलेगी, एक भी मेडल लेते हैं आपको चाहे कोई भी मेडल है, तो इस पे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी मेरे ख्याल से नौकरी के लिए तो कोई इतना खेलता ही नहीं होगा कि अपना नाम अपना देश का नाम रोशन करने के लिए खेलता है, तो इसके लिए तो मैं कहना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मतलब कोई भी अगर स्पोर्ट्स कर रहा है, अब सोच रहा है स्पोर्ट्स करने का, तो अच्छे से प्रैक्टिस करे, पूरी मेहनत करे, अपनी लाइफ तो इसमें आगे सिक्योर है, बहुत अच्छा फ्यूचर है स्पोर्ट्स में। जी किस तरह का आपको महसूस हो रहा है आप गोल्ड मेडल जीत रहे हैं? मेरा नाम पुष्पा राणा है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं अपने देश के लिए मेडल ले आई हूँ। कबड्डी में आप लोगों ने हिस्सा लिया, किस तरह का खेल उस समय रहा, किस तरह की मुश्किलें रही खासतौर पर जब आप वहाँ पर खेल खेला, भारत का दौरा कब हुई थी? हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्या बोलते, थोड़ा खाने पीने की प्रॉब्लम आई बट इट्स ओके, हमने मैनेज कर ही लिया था वो चीज़, और बाकी ग्राउंड वगैरह की रहने सहने की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी और ग्राउंड भी बहुत अच्छे थे। हमारा जो फर्स्ट मैच है वो चाइनीज ताइपाई से हुआ था और वो इक्वल हो गया था, सेकेंड मैच जो है वो हमारा कोरिया के साथ हुआ, और जो थर्ड मैच है वो थाईलैंड से हुआ था, वो भी वन साइड सारे मैचेस गए, और सेमीफाइनल जो था वो नेपाल के साथ था, वो भी उनकी टीम भी बहुत अच्छी थी और हमारी टीम और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बैठ गया था, तो वो मैच भी हमारा वन साइड गया, और फाइनल मैच जो था वो चाइनीज ताइपाई से फिर से हमारे साथ आया, और वो उनकी टीम बहुत अच्छी थी और बहुत स्ट्रगल वाला मैच चला था, और लास्ट में हम एक पॉइंट से जीते हैं उन लोगों से, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम लोग विन करें। क्या चाहेंगे सरकार से, क्योंकि सम्मानित आज मुख्यमंत्री करेंगे, किस तरह की, क्योंकि दूसरे राज्यों में सुविधाएं ज़्यादा है हिमाचल में, सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे बाकी स्टेट में पॉलिसी है, जैसे राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, जो प्लेयर खेल के आ रहे हैं और गोल्ड लेके आ रहे हैं उन लोगों को 3-3 करोड़ है, और क्या बोलते हैं हम लोगों के लिए सिर्फ 15 लाख है, तो हम यही बोलना चाहेंगे सरकार से कि थोड़ा पॉलिसी को चेंज किया जाए, और जॉब के लिए भी हम बोलना चाहेंगे कि हम हिमाचल के लिए कम से कम 10-11 साल से कंटिन्यू मेडल ले आ रहे हैं और कंटिन्यू खेल रहे हैं, तो क्या बोलते हैं हमारे को जो जॉब है वो थर्ड ग्रेड या फोर्थ ग्रेड की ऑफर्स आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इस मेडल पे हमें भी जैसे बाकी स्टेट में बेस्ट वो दी जाती है, क्या बोलते हैं क्लास 1 ऑफिसर की जॉब दी जाती है, वो हमें भी वैसी जॉब दी जाए, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं।